कि एक बोरी गेहूं की और एक चावल की बोरी में लोग धर्म परिवर्तन कर देते हैं थू उन पर एक चावल की बोरी में बेटा कौन सा सेंटा। सेंटा आता कौन सा आता है तुम्हारे घर आया था तुम्हें देखा तुम्हारा पापा आया था सेंटा बन के अब उन हिंदुओं को बुरी लगेगी मेरी बात कौन आया था रात को पापा की जगह कोई सेंटा तो नहीं आया था तुम्हारी मम्मी की खटिया पे ये तुलसी तो मा है और ये उसके चरणों में पड़ा तुम्हारा ये, ये, ये देखो तुम्हारे चरणों में अरे ये कल से जय श्री राम बोलेगा जय जय तुलसी मैया बोलेगा हर हर महादेव बोलेगा पवित्र हो गया तो अभी जो आपने वीडियो देखी है ये वीडियो में आप लोगों को पूरा दिखाने जा रहा हूँ तो तक इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि बेरोजगारों की संख्या इतनी हो चुकी है कि अब तो लोगों के पास कोई काम ही नहीं है कोई काम धंधा खुद का बचा नहीं है तो चले पड़ते हैं दूसरे धर्मों की ओर उंगली उठाने के लिए अपनी पब्लिसिटी करने के लिए कि कैसे ना कैसे हम दूसरों धर्मों के विरोध में बोलें, उनके ठट्टा करें उनका मजाक उड़ाएं, तो फिर हमारी पब्लिसिटी होगी और लोग हमें जानेंगे दोस्तों एक वीडियो है जो ये अभी मैं आपको दिखा रहा था ये क्रिसमस का वीडियो है क्रिसमस के ऊपर ये दो लोग इस तरीके से इन्होंने क्रिसमस को को और टारगेट करते हुए ऐसा ही लोगों को कुछ ऐसी बातें है आप, आप लोगों के सामने प्ले करने जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा चैनल पर पहली बार पहुंचे हो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए लाइक करिए आइए इस वीडियो को देखते हैं फिर बात करते हैं

पागल हो लुलिया हुल लुलिया हुल लुलिया आज इसको इसको भी पर, इसको भी हम लोगों ने ना पवित्र कर दिया सेंटा लटका करके अच्छा। इसको ही पवित्र कर दिया तुलसी माता के नीचे उल्टा लटका रखा मान जा मान जा और जान जा ये सनातन धर्म है ये धर्म इस धरती का सबसे पहला धर्म है उसमें से तुम निकल करके एंटा वेंटा और सेंटा और पेंटा और फिर इसका नाम इस भारत के अंदर ही पूरी दुनिया में रख दिया फैंटा जो लोग एक बोरी गेहूं की और एक चावल की बोरी में लोग धर्म परिवर्तन कर देते हैं थू, थू है उन पर एक चावल की बोरी में बेटा दो चावल की बोरी दो गेहूं की बोरी दो महीने का राशन मैं दूंगी धर्म धर्म सिर्फ एक ही है अच्छा। वो है सत्य सनातन धर्म दोस्तों अभी आपने ये वीडियो देख लिया और देखा किस तरीके से ये लोग क्रिसमस के बहाने सेंटा के बहाने ईसाई लोगों को टारगेट कर रहे हैं और तरह तरह की ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो मुझे नहीं लगता कि ये बातें एक उस व्यक्ति को बोलना चाहिए जो अपने धर्म की रेस्पेक्ट करता हो जो अपने धर्म की सच में रेस्पेक्ट करता है वो दूसरे धर्मों की भी रेस्पेक्ट करता है और सबसे पहले एक इंसान के अंदर एक इंसानियत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन कई बार ऐसी बातें होती है कि हम अपनी इंसानियत को होकर सिर्फ धर्मों की बात करते हैं जाति भातीयों की बात करते हैं रीति रिवाजों की बात करते हैं इतने फंस जाते हैं उन चीजों के अंदर हम भूल जाते हैं कि सबसे पहले हम एक इंसान है और आप लोगों ने देखा इस वीडियो में किस तरीके से ये अपमान कर रहा है सेंटा का नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह का भी अपमान किया जा रहा है कि सेंटा तुलसी के चरणों में हम रख देंगे पवित्र हो जाएगा देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो सेंटा के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं ये सेंटा बाइबल के अनुसार कहीं भी बिब्लिकल नहीं है बाइबल नहीं कहती है कि कोई सेंटा है या फिर कोई सेंटा बनाओ ऐसा कुछ भी नहीं है ये लोग अपने ही संसार की दृष्टि से संसार की रीति रिवाजों से मिलकर इन्होंने ऐसा ये सेंटा सेंटामेंटा क्रिएट किया है ऐसा कुछ नहीं है ये यीशु मसीह को प्रेजेंट नहीं करता है सेंटा बिल्कुल भी यीशु मसीह एक अलग कैरेक्टर है यीशु मसीह एक अलग चीज है जो कोई उसको जान गया जो कोई उसको पहचान गया वो इन चीजों में नहीं फंसता है तो इसमें इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सेंटा को क्या बोल रहे हैं क्योंकि बाइबल के अनुसार कोई भी बिब्लिकल बात है ही नहीं मैं इस पर विश्वास नहीं करता ये कुछ भी बोले लेकिन सेंटा को टारगेट करते हुए ये लोग ईसाई लोगों को ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि ये लोग एक चावल की बोरी में एक आटे की बोरी में ये लोग अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं और हिंदुओं को भी ये बातें कही जा रही हैं उन लोगों को जो क्रिसमस के दिन चर्चस के अंदर चले जाते हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं लेकिन क्रिसमस के दिन ये चले जाते हैं ताकि हम भी वहाँ पर जाकर उनके कार्यक्रम वगैरह देखें अगर यीशु मसीह वहाँ पर हमें कुछ जान लें यीशु मसीह के बारे में तो हम भी सच्चाई को जान लेंगे आज़ाद हो जाएंगे कुछ मन्नतें लेकर जाते हैं कैसे कैसे लोग चर्चों में चले जाते हैं एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ कल भी शेयर किया था अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा किस तरीके से जयपुर चर्च के अंदर लोग गए हुए थे जो हिंदू थे उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के सामने बहुत सी नते मानी है बहुत सी बातें रखी है लेकिन ये बातें धर्म परिवर्तन की नहीं आ जाती हैं लेकिन इनका ये कहना है कि कुछ लोग हैं जो एक आटे की बोरी में एक चावल की बोरी में धर्म परिवर्तन कर देते हैं एंड मैं उनको दो चावल की बोरी दूंगी दो आटे की बोरी दूंगी तो सिर्फ सनातन धर्म एक ही है देखिए मैं इस बात को नहीं मानता सनातन क्या है क्यों है कैसे है बाइबल में मैं एक बात पढ़ता हूँ बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर यह ने साफ कहा है कि मैं ही सनातन परमेश्वर हूँ तो हम जिस पे विश्वास करते हैं हमारे लिए वही सनातन है वही हमारे लिए सब कुछ है वही आदि अंत है वही शुरू और आखिरी पहला और अंतिम वही हमारे लिए सब कुछ है तो हम ये बात बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते कि लोग किसको क्या बोलते हैं डोंट मैटर लेकिन क्यों बोल रहे हैं वो डिस्टर्ब करती है बातें दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ जब परमेश्वर इस संसार में आया और परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा तो किसी एक व्यक्ति से नहीं रखा बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया उसने रीति रिवाजों में बांध कर किसी को नहीं रखा किसी धर्म के अंदर बांध कर किसी को नहीं रखा यीशु मसीह जब आया किसी का धर्म और जात परिवर्तन करने के लिए बिल्कुल भी संसार के अंदर नहीं आया परंतु यीशु मसीह का आना इसलिए हुआ कि लोग अपने पापों से फिर कर निजात पाएँ वो सच्चाई को जानें वो आज़ाद हो जाएँ लेकिन संसार उसे एक अलग दृष्टि में देखता है हम उसका क्या कर सकते हैं हम... दोस्तों इस वीडियो के अंदर में और ज़्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो विरोध करने वाले हैं वो भी हमारे भाई हैं और हमें उनसे प्यार करना चाहिए क्योंकि वो भी परमेश्वर का प्रचार करते हैं चाहे वो विरोध से करें या फिर प्रेम से करें लेकिन प्रचार तो वो भी कर ही रहे हैं दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि एक विश्वासी जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने से कतराता है डरता है कहीं ना कहीं लेकिन जो विरोधी है जब वो विरोध करता है तो वहाँ पर बहुत से लोग विरोध को सुनते हैं और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उन्हें भी मिल जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सपोर्ट की बातें हैं जो कि परमेश्वर के वचन बाइबल में भी हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा था कि ये जो विरोध करते हैं वो भी हमारे भाई हैं तो जरूर हम भी इनसे प्यार करते हैं एंड आप भी इसे प्यार के करें कमेंट में कोई भी इन्हें गलत या फिर कुछ भी बुरा ना कहे आप इन लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करें क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया या तो वे लोग हमेशा के लिए चुप हो गए या फिर वही लोग प्रभु येसु मसीह के लिए बोलते हैं उसका सुसमाचार प्रचार करते हैं और मैं इस बात पर पूरा विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर बदलने वाला है वो समय आने पर जरूर इन लोगों से अपनी महिमा मिलेगा जरूर ये लोग भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे प्रचार करेंगे जो आज ये बोलते हैं कि लोगों का पैसे देकर इनका धर्म परिवर्तन किया जाता है एक दिन ये भी कहेंगे कि यीशु मसीह किसी का धर्म और जात बदलने के लिए नहीं आया परंतु जो कोई यीशु मसीह को जानेगा वो जीवन पाएगा यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा जरूर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे प्रभु आपको ब्लेस करे प्रभु आपको आशीष दे जय मसीह की गॉड